अगर आप भी तलाश कर रहे हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग सा मीठा, तो बस आप बनाएं ये सूजी का हलवा, जो कि नवरात्रि के दिनों का विशेष प्रसाद होता है। अष्टमी के दिन में इसका भोग लगता है और कन्या पूजन में भी ये बनाया जाता है। और हाँ, ये स्वाद में तो बहुत ही टेस्टी होता है, तो एक बार इसे बनाना तो ज़रूर बनता है। तो बस ऐसा टेस्टी सा हलवा बनाने के लिए हमने कढ़ाई लेनी है, और कढ़ाई में बिना घी तेल डाले आपको जितनी सूजी भूननी है अपने अकॉर्डिंग भून लीजिए। मैंने यहाँ आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा सूजी ली है और उसे अच्छे से भून लिया है। चूँकि सूजी भूनने में हमें थोड़ा वक्त लगता है, तो आप अपने किसी पंचायती दोस्त को फ़ोन लगा के उससे बात कर सकते हैं इस वक्त अपना टाइम पास करने के लिए। खैर, मैंने तो बस भून लिया था क्योंकि मेरी बहुत कम थी, तो फटाफट हो गई। और जब हमारी सूजी अच्छे से भून जाए, तो भूनने के बाद हमें एक बर्तन में निकाल लेना होता है। और आप देख पा रहे होंगे किस हद तक हमें इसे भूनना है। फिर हमने एक दूसरे बर्तन में जितनी सूजी थी उतना 3 गुना पानी, और जितनी सूजी थी उतनी शक्कर डाली और थोड़े से केसर के धागे डाल लिए, और इसका हमने शुगर सीरप बना के रख लिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपके शुगर सीरप में थोड़ी इम्प्योरिटीज़ है, तो 1-2 बूंद अगर नींबू का रस डालना चाहे तो डाल के बना के अलग रख लें, और फिर कढ़ाई में डालें घी और घी के साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लीजिए। और इसके बाद वो जो सूजी भून के हमने रखी है ना, उसे भी इसमें डाल देना है, और इसे भी 2-3 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेना है। क्योंकि सूजी के हलवे की मेन मोनोपोली यही होती है कि सूजी के हलवे को भुनना बहुत मांगता है। और फिर इसके साथ अगर आपको डालना है थोड़ा सा नारियल का बुरादा आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो डाल दीजिए। और फिर उसके बाद इसमें जो हमने पानी, मतलब जो शुगर सीरप बना के रखा है ना, चीनी पानी वाला, वो डाल दीजिए। और डालने के बाद बस इसे चलाना है, और बहुत देर तक चलाना है, क्योंकि ये जितना पानी हमने डाला है ना, ये अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन सच में सूजी बहुत प्यासी होती है। मतलब ये कितना ज़्यादा पानी पी जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब जितना पानी, ये 3 गुना पानी हमने डाला ज़रूर है, लेकिन ये सब ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा कम, मतलब थोड़ा सूखा हलवा पसंद करते हैं, तो आप इसमें 2.5 गुना पानी भी डाल सकते हैं। और अगर आपको अपना हलवा थोड़ा और टेस्टी बनाना है, तो इसमें ऊपर से 1 चम्मच घी और डाल दीजिए। सच में इससे साइनी भी हो जाएगा, और सूजी का एक एक दाना जब ये बन के प्रॉपर तैयार हो जाएगा ना, तो आपको एक एक दाना अलग सा दिखेगा, जो कि सच में अपने आप में एक अच्छे हलवे की एक स्पेशलिटी होती है। तो बस बहुत देर तक, मतलब इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पर रख के थोड़ी देर तक हमें इसे पकाना होगा, और इसका सारा पानी ख़त्म करना होगा। तो आप देख लीजिए कि आपको किस कंसिस्टेंसी का हलवा पसंद है। अगर आप थोड़ा गीला खाना हलवा पसंद करते हैं, तो ये इस टाइम परफेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसे सुखाने वाली हूँ। और जब ये एकदम प्रॉपर हो जाएगा, तो बस इसे आपको अपने प्लेट में, मतलब जिसको खिलाना है उसको सर्व कर दीजिए। लेकिन मैं इसे थोड़ी और देर तक गैस पर रखने वाली हूँ, और आप, ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। और इसके बाद हमने लेना है एक बर्तन जिसमें हमें इसे सर्व करना है, और इसके बाद हमारा ये अमेजिंग सा टेस्टी सा हलवा बन के तैयार है। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर देनी है, नारियल का अगर बुरादा भी है आपके पास तो वो भी डाल दीजिएगा। सच में सूजी के हलवे के साथ ये नारियल का ना टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है, और नवरात्रि के दिनों में तो इस हलवे की बात ही अलग होती है भाई। ये प्रसाद वाली फीलिंग भी देता है हमें। तो बस ऐसा टेस्टी सा हलवा एक बार बनाना तो ज़रूर बनता है। तो आप सब कब बना रहे हैं ये अमेजिंग सा टेस्टी हलवा, जो कि सच में बहुत ही टेस्टी बना था, और इसका कलर देख के आप समझ पा रहे होंगे ना कि ये कितना स्वाद, मतलब कितना स्वादिष्ट बना होगा, क्योंकि ये भुना भी बिल्कुल परफेक्ट था, और मीठा भी ये बिल्कुल परफेक्ट था। मतलब जितनी हमने सूजी डाली थी उतना ही शक्कर डाली थी, मतलब मैंने 1-2 चम्मच शायद शक्कर कम ही रखी होगी, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन आपके लिए भी ये परफेक्ट मेज़रमेंट होगा कि जितनी सूजी उतनी शक्कर डालिए आप, और आपका हलवा इतना टेस्टी बनेगा ना कि आप खुद शॉक्ड हो जाएं। तो अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगती है, तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और खाए पिए खुश रहें, और ये हलवा एक बार बना के ट्राई ज़रूर करें। सच में ये सुपर टेस्टी हलवा ना बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो थैंक यू सो मच, एंड हैव अ वेरी गुड डे। हैप्पी नवरात्र।